Hello friends, welcome back in my YouTube channel. And today I'm going to start with HR round interviews common questions. This one is the third video. आज मैं आपके सामने ये तीसरा वीडियो ला रहा हूँ. जो हमारी प्रीवियस वीडियो रही है उसमें मैंने आपसे बातें करी थी कि हाउ टू मेक द सीवीज. जो सेकेंड वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल तक की होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए. और आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो नॉर्मली आपसे किसी भी कंपनीज में जो एचआर होते हैं वो नॉर्मली आपकी जो इंटरव्यू होती है वो इन चीज़ों से स्टार्ट होती है. एचआर राउंड के अंदर ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है और इन सारे सवालों का जवाब यदि आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एडेड एडवांटेज होता है. ये सारे वो कॉमन क्वेश्चंस हैं. आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने भी इंटरव्यू दोगे मोरलेस ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे. और बेहतर ये होगा कि इन सारे सवालों का आप प्रॉपरली आंसर को प्रिपेयर करें और उसकी प्रैक्टिस करें. आप उसे याद करें, आप मिरर के सामने खड़ा होकर उसे बोलने की कोशिश करें, खुद से सवाल करें और खुद से उन सारे सवालों का जवाब दें. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस इन द एचआर राउंड नॉर्मली दे विल आस्क यू. जब कभी भी आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है तो ये जो सवाल होते हैं इट्स नॉट ओनली द एचआर राउंड, इवन जब आपकी इंटरव्यू की शुरुआत होती है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं. तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से इन सारे सवालों का जवाब देना है. जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कहीं जहाँ से आपकी इंटरव्यू की शुरुआत होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ये एक वैसा क्वेश्चन है जो आप हमेशा सुनेंगे. किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत नॉर्मली यहीं से होती है. सामने वाला आपसे ये जानना चाह रहा होता है कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी जो स्पेशलिटी हो वो आप बताएं. नॉर्मली मैंने देखा है, अक्सर लोगों को देखा है कि भाई लोग यहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हैं. हमने जो फील करी है, लोगों से जो सुना है, और वो ये है कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं. नॉर्मली होता क्या है, ये आपकी भी गलती नहीं है. नॉर्मली होता क्या है कि जब हम कॉलेजेस में होते हैं, हम क्लासेस में होते हैं, बहुत सारे हमारे पास वहाँ पे कम्युनिकेशंस क्लासेस वगैरह चलती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स वगैरह क्लासेस चलते हैं और वो आपको कुछ आंसर्स बताते हैं, उन आंसर्स को आप याद करते हो, फिर जाके उस आंसर को सामने में रख देते हो. एग्जैक्टली उसमें आपका अपना कुछ होता ही नहीं है. मैंने अक्सर देखा है जैसे सवाल हमारा है भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लोग अपना नाम बताते हैं और उसके बाद वो आ जाते हैं कि उनके फादर ये करते हैं, उनकी मदर जो है सी इज हाउस मेकर, उनके इतने ब्रदर हैं, उनके इतने सिस्टर्स हैं. भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपके ब्रदर चाहे दो हों या चार हों, आपके सिस्टर चाहे दो या चार हों, आपकी मदर हाउसवाइफ हैं या वो कहीं जॉब कर रही हैं, आपके इन सारे आपके जवाबों से कंपनी का क्या लेना देना. कंपनी को इन सारे बातों से कोई कंसर्न नहीं होता. हम बहुत गलत ट्रैक पर जवाब दे रहे होते हैं. कंपनी जो हमसे सुनना चाहती है वो क्या सुनना चाहती है मैं आपको बताऊं. भाई ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ फॉर्मल थिंग. लाइक आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे. नाम बताने के बाद आपको ये बताना है कि भाई आपने MCA करा है, आपने BTEC करा है, आपने BCA करा है, जो भी वट एवर योर क्वालिफिकेशन इज, जो भी आपने किया है, कहाँ से किया, आपने कब किया. यदि आप परसुइंग कर रहे हो तो आप बताओ कि अभी आप एट प्रेजेंट आप उसे परसुइंग कर रहे हो. आप ये बताओ यदि आपकी परसेंटाइल अच्छी रही है, आप उसकी परसेंटाइल बताओ. मतलब आप अपने क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करो. क्वालिफिकेशन के बाद आप अपने स्किल सेट के ऊपर आ जाओ. स्किल सेट के बाद आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस करो. आप अपनी थोड़ी सी हॉबीज के बारे में बातें करो. एंड फाइनली आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बनाया था. इससे कंपनी का एक पर्पस सॉल्व होता है कि मैं जिस बंदे को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी से मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी जो स्किल सेट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को फॉलो कर रहा है. भाई यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे काम कर लियो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मतलब काफ़ी लोग हमारे सामने बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ. यदि आप अपने टेक्निकल स्किल्स बताते हो, आप अपने क्वालिफिकेशंस बताते हो, ये चीज़ें कंपनी के लिए कंसर्न होती हैं. अब आप यहाँ पे बोलोगे भाई मेरे ब्रदर इतने हैं, मेरे सिस्टर्स इतने हैं, मेरी मदर जो है सी इज द हाउस वाइफ हाउस मेकर, और ये तमाम बातों से कंपनियों का कोई कंसर्न नहीं होता है. तो वो आपकी जो आप बोलते हो ना वो चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं. सामने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी इन सारी बातों को. मुझे क्यों याद रहेगा भाई आपके ब्रदर क्या करते हैं, आपके सिस्टर्स क्या करते हैं, मुझे क्यों याद रहेगा कि आपके फादर की जॉब क्या है. भाई मुझे सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि जिस कैंडिडेट से मैं बात करने जा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके स्किल सेट्स क्या है. तो
आप जब कभी भी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर दें, तो सबसे पहले आप अपने नाम से शुरुआत करें, आप अपने क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब करें, आप वहां पर बताएं कि भाई आपने एमसीए कर रखा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और इस पर्टिकुलर ईयर में आपने वहां से पास आउट किया, इतनी सारी आपकी परसेंटाइल रही। अब वहां पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि आप बोल रहे हो जी आपने एमसीए यहां से करा, आपने बीसीए यहां से करा, आपने ट्वेल्थ यहां से करा, आपने टेंथ यहां से करा। आपने टेंथ जो है सरस्वती विद्या मंदिर से करा या डीएबी से करा, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से चेक कर लेगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको बतानी है, अपनी स्किल सेट सामने रखनी है। ओके, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द .NET, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द पाइथन, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द जावा, इन जावा आपको जावा के अंदर यू आर कंफर्टेबल विद द JSP, यू आर कंफर्टेबल विद द Hibernate, आपको ये बातें सामने रखनी है। उसके बाद जो दूसरी चीजें आपको सामने रखनी है वो ये रखनी है कि भाई आपने इस प्रोजेक्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम किया था, उस प्रोजेक्ट में आपकी ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। बहुत ज्यादा यदि आप इसको लंबा करना चाहते हैं तो आप अपनी हॉबीज बता दें, आप अपनी स्ट्रेंथ बता दें। रिमेंबर, वहां पर आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी है। तो मोरलेस वो बातें आपको अपने सामने रखनी है, दैट्स इट। तो जब कभी भी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ की बारी आती है तो आपको ये सवाल है जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, आपको इन पॉइंट्स को रेडी करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि ये चीजें आपको याद हों। और इसको जब कभी, कई बार क्या होता है जब चीजों को हम याद करके इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाले ने बीच में कहीं नॉक कर दिया तो भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे थे। जी नहीं, आपको इस तरह से जवाब देनी है कि भाई आप सोच के जवाब दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने उसे याद कर लिया है, आपने रट्टा मार लिया, भाई आप वहां पे आ रहे हो और चीज। तो ये चीजें सामने वाले को फील ना हो। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल तय करती है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना चाहती है, कंपनी यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना चाहती है तो उनके ये सवाल होते हैं कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ पे नेचुरली यू नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग योर फादर्स जॉब, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी मदर्स, जो भी आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को यहाँ पे डिस्क्राइब करें। तो याद रखें ये जो क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, बोथ आर द डिफरेंट क्वेश्चंस। यदि फैमिली बैकग्राउंड की बात आती है तो वहां पे आप जो बोलते हो भाई ठीक है, आपकी मदर जो है सी इज वर्किंग और सी इज हाउसवाइफ, जो भी चीजें आपको बोलनी है आप वहां पे बोलें, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए तभी इन चीजों को डिस्कस करना है कि आपके ब्रदर क्या कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रही है, दैट्स इट। जो तीसरी पॉइंट है जो अक्सर कंपनियां आपसे बात करती हैं कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अबाउट योर वीकनेस, अक्सर कंपनी आपसे बात करेगी भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। याद रखें आप अपने स्ट्रेंथ में जो कुछ भी बोलें, भाई नॉर्मली लोग अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं, बोलना भी चाहिए भाई, वो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसे बोलें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई ये जो आपकी वीकनेस है, ये जो वीकनेस है इसको आपको बड़े तरीके से बात करनी है। याद रखें कभी भी आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी उन्हें, आपको अपने स्ट्रेंथ को ही वीकनेस में कन्वर्ट करनी है और अपनी स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बनानी है। अब जैसे बड़ा कॉमन सा वीकनेस आप बता सकते हो, भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं वर्क एल्कोहलिक हूँ। वर्क एल्कोहलिक का मतलब क्या, मैं जब काम करता हूँ भाई काम में मैं डूब जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता दिन दुनिया, भाई हमें कुछ नहीं समझ में आता, मैं जब काम करता हूँ तो फिर मुझे काम से ही मतलब होता है, काम ही में कंसर्न होता है। भाई कोई भी चीज़ यदि हम एक्स्ट्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं, तो आप अपने वीकनेस को ऐसे बता सकते हो। अब कई लोग यहाँ पर बोलते हैं भाई वो इमोशनल लोग हैं, इमोशनल है मतलब आप कंपनी में बैठ के रोते रहेंगे फिर, भाई किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तब तो फिर आप रोएंगे ना बैठ के कंपनी में। अब याद रखेंगे आपको वीकनेस में ये नहीं बोलना कि आप इमोशनल हैं, आप सेंटिमेंटल हैं, आपको ये नहीं बोलना भाई आप एग्रेसिव हैं। अच्छा जी आप एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव है मतलब कल यदि आपकी मैनेजर ने किसी बात पे आपको डांट लगा दी तब तो आप यही बोलोगे चलो बाहर निकलो मैं देख लूंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अपनी वीकनेस सामने नहीं रखनी है, आपको अपने स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बनानी है। अब भाई आप स्ट्रेंथ में ये बोल सकते हो भाई आपकी स्ट्रेंथ है कि आप काफी देर तक मशीन पर बैठते हो, आपकी वीकनेस ये है कि भाई काफी देर तक मशीन पर बैठते हो आपको समझ में नहीं आता फिर क्या हो रहा है, भाई कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास बस एक ही फोकस होता है कि भाई आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि आपको अपने स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बनानी है और कभी भी वीकनेस के अंदर ये तमाम बातें ना बोलें। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर वो सेंटिमेंटल हैं,
नॉर्मली लोग बोलते हैं सर मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंटिमेंटल हूँ। याद रखें आपके इमोशंस आपके सेंटिमेंट्स का इन कंपनीज में इन कॉर्पोरेट में उनकी कोई जगह नहीं है। दे आर हाईली प्रोफेशनल, वहाँ पे आपके प्रोफेशनलिज्म की जगह है। तो ये जो तीन सवाल मैंने आपके सामने करे, ये सारे सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और इनका जवाब आपके पास पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बेहतर जवाब क्या हो सकता है, आप गूगल में जाएं, आप चीजों को रेडी करें। मैं यहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप उसी आंसर्स को याद करेंगे। अब कई सारे लोगों ने यदि याद कर लिया और गलती से आप एक ही कंपनी में इंटरव्यूज के लिए चले गए तो अपने आप में फिर यह परेशानी है जी। इसके अलावा जैसे कई बार लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए ये सवाल भी आपसे पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बतानी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब हायर एजुकेशन से आपको स्टार्ट करनी है, अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, आपने जो 11th 12th करी होगी, आपने जो 10th करी होगी, अप टू दैट लेवल आपको चीजें बताने, भाई आपने इस बोर्ड से करा, आपने इस यूनिवर्सिटी से करा, आपके इतने परसेंटाइल थे, दैट्स इट। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये होती है कि यदि हमारी परसेंटाइल, मान लो हमारी परसेंटाइल 12th में कम थी, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको बोलूं कि मेरी परसेंटाइल 55% थी। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको खा सकते हो, मत बोलो। कोई मतलब नहीं है कि भाई आप उसे बोल रहे हो कि नहीं नहीं जी आप तो सत्य हरिश्चंद बन गए, आपने बोला नहीं जी हमारी तो 55% आई थी, बॉस क्यों बोल रहे हो, मत बोलो भाई। आपके एमसी और बीटेक में अच्छे परसेंटेज हैं, आप वो डिस्क्राइब करो। आपके जो है 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं, आप वो बोलो। जहां पे अच्छे मार्क्स नहीं है वहां पे परसेंटाइल बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से ये एक नेगेटिव इंप्रेशन ही जाती है जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली एक सवाल होता है भाई आपके हॉबीज क्या है। याद रखें आप अपने हॉबीज में जो भी बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने हॉबीज बताते हैं ना तो यहाँ पे उन चीजों को बोलें जो टीम स्पिरिट को शो करता हो। जैसे भाई कई लोग बोलते हैं भाई हमारी हॉबीज है प्लेइंग क्रिकेट, इट्स ए गुड थिंग। भाई आप बोलो कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हो, इट्स ए गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये टीम गेम है, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट होगी। आप हारना भी जानते होगे, आप जीतना भी जानते होगे। तो याद रखना आपको हॉबीज के अंदर उन बातों को ही रखनी है जहां पे कहीं ना कहीं टीम का सेंस हो। अब जैसे मान लीजिए आप यहां पे ये बोलते हैं आपकी हॉबीज है म्यूजिक सुनना, अच्छी बात है आप सुने, आप रिलैक्स हो, लेकिन हॉबीज को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनैलिटी से लिंक करें। अरे आप ये बोलते हो कि आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहना चाहते हो, दैट्स अ गुड हॉबीज हॉबीज भाई, ठीक है आप सोशल वर्क मतलब आप सामाजिक प्राणी हो, आप जानते हो भाई आपकी समाज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंट्री के लिए आपकी क्या जवाबदेही है, ये एक अच्छी चीज होती है। हॉबीज में आप जब कभी बोलें तो हमेशा उस चीज का नाम लें जहां पे टीम स्पिरिट आती हो, जहां पे टीम गेम हो, जहां पे कई सारे लोग इन्वॉल्व हो, जहां पे कुछ सोशल वर्क की बात करते हो, हॉबीज में हमेशा इन बातों को आप डालें। अब यहां पे एक सवाल आता है, व्हाई वी हायर यू, मैं आपको अपनी कंपनी में सेलेक्ट क्यों करूं। यहां पे फिर वही बात आ गई, नाउ यू नीड टू डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ। भाई आपको बताना है कि भाई हमारी ये स्ट्रेंथ है, मैं काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और भाई जब मैं काम करता हूँ तो सर मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। आपको अपनी जितनी तारीफ करनी है आप यहाँ पे तारीफ करें, लेकिन मोरलेस ये जो चीज़ें हों ईमानदारी से करें। बहुत ज़्यादा भी आप यहाँ पे अपनी तारीफ करेंगे तो सामने वाला भी आपकी सारी बातों को समझ रहा है कि अभी आप सब कुछ बोलोगे, लेकिन तब भी मजबूरी है आपको अपनी तारीफ ही करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट फिर से आनी चाहिए। आपको यहाँ पे ये जरूर बताना है कि भाई आप एक अच्छे टीम मैन हो, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, आप टीम के साथ रहोगे, आप टीम के साथ चलोगे, आप टाइम बाउंड हो, आप पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ों को डिलीवर करोगे, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो इन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि व्हाई वी हायर यू। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। अक्सर मैंने यहाँ पे देखा है लोगों को परेशान होते हुए, What is your expected salary? Normally, यदि आप fresher हो, अक्सर मैंने सुना भाई सर अभी हमारे लिए सैलरी, मैंने सुना है ये सारे answers जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अभी हमारे लिए सैलरी मैटर नहीं करती, मतलब तुम फ्री में काम करोगे, सर आप समाज सेवा नहीं कर रहे हो, आप जॉब करने के लिए गए हो, यू नीड द सैलरी, आस्क देम। भाई आप ये मत बोलो कि भाई अभी हमारे लिए सैलरी मैटर नहीं करता, आप सैलरी के लिए ही जा रहे हो, यह भी सच्चाई है, इसलिए गलत बात मत बोलो। दूसरी चीज, आप अपने आप को वहां पे ऐसे क्यों गिरा रहे हो, आप वहां पे इसलिए नहीं बैठे कि भाई आपको जॉब चाहिए, आप वहां पे इसलिए भी बैठे हो क्योंकि कंपनी की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यदि सामने वाला ये पूछ रहा है तो नेवर गिव द आंसर कि सैलरी हमारे लिए मैटर नहीं करता, अभी तो मैं फ्रेशर हूं, अभी तो मैं लर्निंग करूंगा जी, सीखूंगा।
भाई ठीक है, इतने दिन क्या कर रहे थे? भाई आपने BCA करा, MCA करा, BTech करा, 3 साल, 4 साल, 7 साल आप कॉलेज में कर क्या रहे थे? कॉलेज इज द प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग, कंपनी लर्निंग की प्लेटफॉर्म नहीं है। कंपनी के अंदर आपको जाके डिलीवर करना है और वो आपको इस बात के लिए टाइम नहीं देंगे कि आप ठीक है भाई तुम लर्न करते हो और हम तुमको सैलरी देते रहेंगे। जी नहीं, आपको वहां पर वर्क करनी है, देन दे विल गिव यू द सैलरी। तो यदि आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, नेवर गिव द आंसर कि सर अभी तो मैं फ्रेशर हूं, अभी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। डोंट गिव द आंसर, नंबर वन। नंबर टू, कभी भी आप उनसे ये मत बोलो, मैंने अक्सर सुना है सर मैं अभी तो अकेला हूं, सर अभी तो 10,000 में भी मेरा काम हो जाएगा, रेंट चला जाएगा, घर से पैसे नहीं मंगाने पड़ेंगे। अरे भाई सामने जो तुमसे बात कर रहा है वो प्रोफेशनल है, तुम्हारे रेंट से घर से पैसे नहीं मांगोगे उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है। दे आर आस्किंग अबाउट योर एक्सपेक्टेड सैलरी। यहां पे आपको ये बातें भी नहीं बोलनी है, बेचारे बन के बात नहीं करनी है, आपको इक्वल बन के बातें करनी है। बेचारे नहीं बनने वहां पे कि नहीं नहीं आप जो दे दोगे वही ठीक है जी प्रभु, जी नहीं, आपको इस तरीके से वहां पे बात नहीं करनी है जी। अब इस सवाल का जवाब आप दोगे क्या? कई बार होता क्या है कि सामने वाला बोलता है नहीं नहीं टेल मी समथिंग अबाउट समथिंग, आप कोई फिगर दो मुझे। अब आप वहां पर बोल देते हो 10,000, 12,000, 18,000। पता लगा आपने बोल दिया 18,000, जब आप कंपनी में गए तो आपको पता लगा कि बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं उन्होंने ज्वाइन करा है 25,000 पे, आप 18,000 पे ज्वाइन कर रहे हो। या हो सकता है आपने 18,000 ज्यादा बोल दिया जी, कंपनी का पैरामीटर था 15,000, उन्होंने तो आपको रिजेक्ट कर दिया। याद रखें ये बहुत बड़ा इशू है। यहां पे आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देने हैं। भाई आप उनसे ये बात तो बोल ही सकते हो सर यू आर रनिंग दिस काइंड ऑफ कंपनी, भाई कंपनी के अंदर कोई ना कोई सैलरी स्ट्रक्चर तो डिफाइन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी स्ट्रक्चर मैं जहां भी फिट बैठता हूं इट्स फाइन विथ मी। नेवर गिव द फिगर, फिगर आप कभी भी ना दें, कभी बेचारे बन की बात ना करें, यह ना बोले कि भाई आप जो दे दोगे सब सही, जी नहीं, आपका आंसर डिप्लोमेटिक होना चाहिए और आपका आंसर यही होना चाहिए भाई आपकी कंपनी है, आप कंपनी को रन कर रहे हो, कोई ना कोई सैलरी स्ट्रक्चर तो आपके कंपनी में डिफाइन होगी, तो उस सैलरी स्ट्रक्चर में मैं जहां भी फिट बैठता हूं इट्स ओके विथ मी। आप यहां पर बातों को इस तरह से सामने रख सकते हो। अब यहां पे एक बात आती है व्हेन यू कैन ज्वाइन अस, आप कब ज्वाइन कर सकते हो हमें। अब यहां पे भी मैंने देखा है फ्रेशर्स के साथ बहुत परेशानी होती है, सामने वाला पूछ रहा है भाई आप ज्वाइन कब कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि उसे कहीं ना कहीं अर्जेंसी है। यहां पे आपका जवाब होना चाहिए सर आप जब बोलो मैं ज्वाइन कर लूं कल से ज्वाइन कर लूं, आपका आंसर यह होना चाहिए। ये मत बोलो नहीं सर इन द नेक्स्ट मंथ आई कैन ज्वाइन, भाई क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते कल से, भैया की शादी है। अरे भैया भैया की शादी है, कंपनी आपके भैया की शादी का वेट नहीं करेगी, कंपनी इज लुकिंग कि भाई कोई आए उसका काम करे। यहां पे आपको ये जवाब देनी है भाई ठीक है मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा, बाकी चीजों का बाद में मैनेज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है भैया की शादी है तो आप एक महीना पहले घर पे जाके करोगे क्या, भाई शादी के दिन जाओ बारात से फिर वापस आ जाओ। यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज्वाइन कब से कर सकते हो, आप उनको बताएं भाई आप मिनिमम से मिनिमम टाइम दें। याद रखें आप यदि ये बोलते हो कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी आपको यदि कल से बुलाती है आपकी जॉब पक्की हो जाती है। यदि आप ये बोलते हो कि भाई आप एक सप्ताह के बाद ज्वाइन करोगे, उस एक सप्ताह के दौरान कंपनी कहीं ना कहीं इंटरव्यू ले रही होगी और हो सकता है कि एक सप्ताह के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई अभी आपका होल्ड पे। तो याद रखें जब कंपनी ये बोले भाई ज्वाइन कब से कर सकते हो, बोलो सर इमीडिएट, जब से बोलो मैं आ जाऊंगा, दैट्स इट, भाई हम तो खाली बैठे हैं आप बुला लो जी प्रभु हम आ जाएंगे, दैट्स इट। आपका आंसर ये होनी चाहिए, ये नहीं कि आई विल ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, आई विल ज्वाइन आफ्टर द होली, आई विल ज्वाइन आफ्टर द दिवाली। क्यों दिवाली और क्यों होली, भाई आप दिवाली से पहले ही कर लो, आप ज्वाइन मान लो आप ज्वाइन करोगे दिवाली के बाद या होली के बाद भी कंपनी के पास तब तक ऑप्शन हो जाता है, वो बाकी किसी और को सिलेक्ट कर लेगा, कंपनी को यहां पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो जब से बोल रहा ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करो इमीडिएट। याद रखें एज ए फ्रेशर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, यदि हमें ऑप्शंस मिल रहा है हमें दोनों हाथों से लेना चाहिए। यहां पे इफ एंड बट दिमाग से निकाल दें, ये भूल जाएं कि घर में शादी है, ये प्रॉब्लम है, पास में पैसे नहीं, ये सारी चीजों को भूल जाएं, कंपनी ऑप्शन दे रही है आप बोलो जी इमीडिएट ज्वाइन करूंगा, दैट्स इट। अब मैं उन सवाल का बात उन चीजों की बात कर रहा हूं जो अक्सर लोग इंटरव्यूज में सामने वाले से सवाल करते हैं। अब जैसे लोग पूछते हैं सर ऑफिस की टाइमिंग क्या होगी, अब आपने जैसे ही मुझसे पूछा कि भाई ऑफिस की टाइमिंग क्या होगी मुझे समझ में आ गया, और क्या समझ में आया, मुझे यह समझ में आया कि इनको लग रहा है यार 8 घंटे 10 घंटे ये बैठेंगे कैसे,
याद रखेंगे, कभी भी आप अपने इंटरव्यूज के दौरान इन सारे सवालों पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चर्चा करने या ना करने से कुछ नहीं होना। टाइमिंग किसी भी कंपनी में 9 से 10 घंटे की ही होगी। लीव भाई, जो ऑफिशियल छुट्टी वो मिलेगा ही मिलेगा। हॉलीडेज हो सकता है, अभी काम हो तो हॉलीडे क्या होती है, फिर काम करनी होती है आपको। तो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन लाइक, सर छुट्टी कब कब होगी, हॉलीडेज सर दिवाली पे कितने दिन की छुट्टी है, होली में कितने दिन की छुट्टी है, सर ऑफिस की टाइमिंग क्या होगी, क्या सैटरडे संडे भी आना पड़ेगा। आपको ये सारे सवाल नहीं करने हैं, ये सारे सवाल आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही आपने पूछा सैटरडे संडे, जैसे ही आपने पूछा भाई ऑफिस की टाइमिंग क्या है, आपने पूछा भाई हमारी हॉलीडेज कब होंगी, अब ये सारे सवाल जो हैं हमें ये बताते हैं आप वहां पे टाइम पूरा करने के लिए जाओगे। याद रखें दोस्त, आप जिस जगहों पे जा रहे हैं, जिन जगहों पे जा रहे हैं, जिन कंपनियों में जा रहे हैं, इन सारे जगहों पे ना आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। और मेंटली बी रेडी फॉर कि आपको 24 घंटे काम करने होते हैं। याद रखेंगे एज ए फ्रेशर जब आपको जॉब मिलती है, आप जितना टाइम दोगे, जितना बेहतर करोगे, ये केवल कंपनी की ग्रोथ नहीं है, ये आपकी ग्रोथ है। आप चीजों को सीखोगे। याद रखें इनिशियली यदि आप उन कंपनी में जाते हो जहां पे काम कम है, आप टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, बिलीव मी आपका बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन आप उस जगह पे जाते हो जहां पे बहुत प्रेशर सिचुएशन है, हमेशा प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है, आपको उस डेडलाइन को मीट करनी है, जहां पे काम ही काम है, 24 घंटे आपको काम करने पड़ते हैं, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के बड़े लकी इंसान हो, लकीस्ट इंसान हो। क्यों? कल जब आप उस साल दो साल के बाद उस कंपनी में जॉब करने के बाद उस कंपनी को छोड़ोगे, बिलीव मी स्काई इज योर लिमिट। इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। आप कभी भी इंटरव्यूज के अंदर इन सारे सवालों का जवाब, मतलब सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि अबाउट द लीव, अबाउट द हॉलीडे, ठीक है लीव हो या ना हो मैं आऊंगा, हॉलीडे हो या ना हो कोई बात नहीं, होली में छुट्टी नहीं होनी है कोई दिक्कत नहीं भाई, होली हम कंपनी में मना लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, दिवाली में कोई बात नहीं भाई, हम साल दो साल घर नहीं जाएंगे, कौन सी आफत आ रही है। आपको वहां पर टाइमिंग, सैटरडे संडे, हॉलीडेज, लीव्स, इन चीजों की बातें नहीं करनी है। कई बार होता है कि कंपनी आपसे बोलती है भाई आप कुछ सवाल करना चाहते हो, तो बेहतर ऑप्शन यह है कि कंपनी की आप वेबसाइट देख लो, उन वेबसाइट आप पूछ सकते हो भाई आप क्या क्या काम करते हो, आपके डोमेन कौन कौन से हैं, किस डोमेन में काम करते हो आप लोग, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, ये सारे सवाल आप पूछ सकते हो। लेकिन इन सवाल को पूछने का आपको कोई हक नहीं एज ए फ्रेशर, जहां पे हमारी जरूरत ही होती है कि हमें जॉब मिले, इन सारे सवालों को आपको ध्यान रखना है कि कभी पूछने की जरूरत नहीं। तो यही थे सर हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी आपसे कि भाई जो सारे सवाल हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज के अंदर, इन सारे सवालों का आप जवाब किस तरीके से देंगे। और भी कुछ एचआर राउंड के क्वेश्चंस के साथ मैं आते रहूंगा, बट इनिशियली अभी हमारा टारगेट यही था कि आपको मैं बताऊं आप सीवी कैसे बनाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं जिनके आपको जवाब जो है याद करके, आप उसे रिवाइज करके, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवालों को करें और खुद से उसका जवाब दें। कई सारे इससे बहुत सारा एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप इंटरव्यूज के अंदर रिलैक्स हो जाओगे। आपने याद कर लिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सामने वाले ने यही पूछा, यू फील कंफर्टेबल भाई, अच्छा अच्छा ये तो हमने यार सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करी, तो यू नीड टू डू दैट। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय द डे, हैप्पी लर्निंग। अरे ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और बाकी जो हमारे टेक्निकल वीडियोज हैं वो वीडियोज लर्न ओरेकल सीरीज, जेंगोज वीडियो, और ये सारी कई सारी वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और इस एचआर राउंड के बीच में यदि मुझे कुछ लगेगा कि भाई आपके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस वीडियो को भी मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग।